ओके तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं दमस प्ले, आप देखो दमस प्ले, स्वागत है आपके एक ताज़ा तरीन नए वीडियो में। एंड क्या आप मेरे पीछे इधर पत्ते झड़ रहे हैं इन पेड़ों के? ठीक है, ज़्यादा ही झड़े जा रहे हैं लोग, कोई बात नहीं है। एंड ये है हमारा सेकंड एपिसोड स्टोन फैक्ट्री का। एंड भाई ये वाला मॉड पैक सीरियसली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं इसे एक्चुअली रुका ही नहीं जा रहा था इसको खेलने के लिए, तो मैं शायद अभी इसमें एक और वीडियो डाल रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही जल्दी। मे भी मुझे नहीं पता ये वीडियो कब आ रही है, तो बहुत अच्छा है ये मेरे को। एंड आज हमें बहुत सारे काम करने हैं, मतलब बहुत सारे। एंड देख सकते हो मैंने आसपास का बहुत सारा एरिया जो है वो घिस डाला, एकदम से साफ़ कर डाला है। एंड इसमें बहुत सारे ग्रेवल निकली थी, जो कि अगर मैं हो पाएगा तो भी दिखाऊंगा तुम लोगों को स्क्रीनशॉट्स। तो बहुत सारा मैंने ग्राइंड कर डाला है, बहुत कुछ सीव किया है, बहुत सारा आइटम भी जमा कर लिया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, अगर नए चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एंड तक देखना, मुझे लाइक कर देना, बड़ा टाइम वेस्ट शुरू करते हैं आज वीडियो। सो लेट्स बिगिन। मेरा जो लेट्स बिगिन है ना, सीरियसली मुझे लगता है कुछ बंदे तो डर जाते होंगे, पक्का पक्का डर जाते होंगे भाई। कुछ लोग सोचते होंगे भाई कितना डरा हूँ मैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इनको काट लेता हूँ एंड नए वाले पेड़ जो है वो जल्दी से लगा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब ये जो ग्रो हो गए हैं तो दूसरा लगा देना चाहिए आई थिंक। एंड इधर एक और, एंड मैंने बहुत सारा एरिया क्लियर कर दिया है जिसको तुम लोग देख सकते हो। मैंने पेड़ों के लिए यह वाला एरिया थोड़ा सा क्लियर किया एंड बहुत सारी ग्रेवल निकली थी, क्योंकि मैंने स्टोन ज़्यादा नहीं निकाला है, क्योंकि हम लोग जल्दी कॉबल स्टोन जनरेटर वगैरह सब बना डालेंगे तो उसकी दिक्कत नहीं है। अब उसको बाद में काटूंगा बाहर में जाए अभी काटा तुरंत ही हो गया। एंड मैंने बहुत सारी डर्ट भी जमा कर लिए, बिकॉज मैं थोड़ी और डर्ट जो है वो यहाँ पे लगाने वाला हूँ। इस वाले एरिया में मैं पूरा डर्ट बना दूंगा एंड इसको थोड़ा और आगे भी ले जाऊंगा। फिर यहाँ पे तो अगर थोड़े पैसे मॉब्स होंगे उनको रखने वाले हम लोग। एंड ये हमारा इधर साइड पे वर्किंग एरिया होगा पूरा। तो आज इस वर्किंग एरिया में हमें थोड़े बहुत काम करने हैं, जिसके अगर मेरे पास जो बुक है वो मैं शायद लेके घूम रहा हूँ। तो ये देखो, इस बुक में आगे दिया हुआ है स्टार्ट सेविंग के बाद यहाँ पे बिगनिंग होगा एक। ओके ये रहा, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें बनाना है एक पावर कोर। पावर कोर बनाना है, तो पावर कोर जो होता है वो एक बैटरी होती है जिसमें कि एनर्जी स्टोर होती है एंड वो एनर्जी वो आगे दूसरी डिवाइसेस तक भेज सकता है। एंड उसके अंदर पावर भरने के लिए हमें कुछ तरीके के जनरेटर्स बनाने होते हैं, जैसे कि तुम लोग इधर देख सकते हो बहुत सारे जनरेटर्स दिए हुए हैं। तो इनमें से कुछ जनरेटर्स हमें बनाने पड़ेंगे। उसके सिवाय हम लोग को आज बनाना है एक वॉइड माइनर में भी हम लोग बनाएंगे, क्योंकि मैं सोचा था कि वॉइड माइनर जो है वो बना लूँगा या फिर कोबलस्टोन जनरेटर, देखते हैं क्या बनाते हैं हम लोग। मतलब कोई एक चीज़ तो एटलीस्ट बनानी है, तो मैं वॉइड माइनर बनाऊंगा या तो समझ गए होगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं, मतलब जो हमारा पावर कोर है पहले पावर कोर बनाएंगे। ओके तो मेरे पास सामान है, पहले बता दो ना मेरे पास सामान है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कितना सामान है। ये देखो ठीक है ना, मतलब बहुत सारा ग्राइंड किया था मैंने एंड स्क्रीनशॉट्स अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ जब मैं ग्राइंड किया था कितना लेके। ये देखो, आई होप दिख गया होगा ठीक है ना। तो देख सकते हो भाई इतना कुछ मैंने ऑलरेडी जमा कर लिया है ठीक है ना। तो मेरे को मतलब आई डोंट थिंक कि अभी फिलहाल तो ग्राइंड करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, देखता हूँ। डायमंड्स भी बहुत सारे हैं एंड थोड़ा सा आयरन भी चाहिए था ना, यप। तो ये आयरन भी उठा लेते हैं, थोड़ा बहुत आयरन अभी भी मिला है। पहले तो इसे आयरन में कन्वर्ट कर लेते हैं, आयरन। ओके एंड इन आयरन से हमें चाहिए थी ब्लॉक्स कुछ ठीक है। एंड देन पहले तो सारा डायमंड जो है वो भी हम लोग चेंज कर लेते हैं डायमंड्स में। एंड यहाँ से बन जाएगा हमारे पास एक आयरन का ब्लॉक एंड ये बन गया हमारा स्पॉन पावर कोर ठीक है, स्पॉन पावर कोर। तो इसको कर लेते हैं, बना लेते हैं। एंड इसको मैं सोच रहा हूँ कहाँ पे रखूँ, फिलहाल के लिए तो मैं इसे यहीं पे ही रखने वाला हूँ। एंड इसमें क्या आ रही है, इंटरेक्ट का ऑप्शन। ओके देख सकते हो अभी जिसकी इसमें 100K का मेरे ख्याल से बार है या फिर 100 है, पता नहीं कितना, आई थिंक ये 100K हो। तो इतनी एनर्जी जो है इसमें एक बार में स्टोर हो पाती है। आई डोंट थिंक ये 100 है, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है ये मतलब 100K नहीं है, मेरे ख्याल से ये सिर्फ 100 है और उसके बाद 0.00 है, भगवान जाने वो कॉमा की फुल स्टॉप है भाई, इसकी मैं से ही जाने ठीक है। तो इसके बाद हमें बनाने हैं जनरेटर्स। अब देखो मैं अगर जनरेटर में जाता हूँ तो इसमें बहुत तरीके के जनरेटर्स बने हुए हैं, जिसकि एक ये वाला है कम्बशन जनरेटर जो कि 24 यूनिट पावर बनाता है, एक है कोबलस्टोन जनरेटर, ये नहीं। यहाँ पे सोलर जनरेटर है, ड्रैगन एग जनरेटर है, लावा जनरेटर है एंड बायो जनरेटर और स्टीम जनरेटर। तो मैं जो दो जनरेटर बनाने वाला हूँ वो है, एक तो ये लावा वाला जनरेटर बनाऊँगा एंड एक ये वाला जनरेटर बनाऊँगा जो स्टीम जनरेटर है, बिकॉज यही दो जो है सबसे मेरे को ज़्यादा लग रहा है। मतलब इसमें भी 30 एनर्जी मिल रही है, इसमें भी 30। एंड ये जो ड्रैगन वाला है इसके लिए तो भाई ड्रैगन मारना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ मे भी जल्दी मार दूँ मैं ड्रैगन को। तो ये दो जो हैं इन दोनों का भी आज मुझे बनाना है। तो इसमें भी ग्लास की कमी है एंड इसमें भी ग्लास की ही कमी है,
क्योंकि वाटर बकेट की जो है वो कमी नहीं है ज़्यादा आई थिंक। एंड यहाँ पे अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊँ तो मैं नेदर पोर्टल भी जल्दी बनाने वाला हूँ। मे बी अगर इसी एपिसोड में अगर जल्दी हो जाता है तो मैं इसी एपिसोड में नेदर पोर्टल ही बनाऊँगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसको यहाँ पर रख देते हैं भाई, कितनी कुछ ज़्यादा ही सैपलिंग्स आ रही हैं यहाँ पर। तो ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले तो बनाते हैं इसकी रेसिपी। ओके ये नहीं, ये और ये था ना, ओके ये दोनों थे। तो ग्लास बनाने के लिए आई थिंक मेरे को इसके ऊपर हैमर करना पड़ेगा, आई थिंक सो। 1 2 3 4, चार ही चाहिए ना ग्लास? हाँ चार चाहिए, दो उसमें और दो उसमें। तो अगर मैं इसको इससे करूँ हैमर से, ओके हैमर 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 हो जा। ये हैमर से होने में थोड़ा टाइम लगता है, पता नहीं क्यों। ओके यार 5 सेंट मिल गए बड़ी जल्दी। ओके तो जो भी बनाना था, पता नहीं क्या बनाना था, मैं भूल चुका हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे 5 ग्लास है वो तो एटलीस्ट आ गए हैं। एंड मैं एक और वाटर बकेट एटलीस्ट निकाल लेता हूँ, बिकॉज जो वाटर जनरेटर होगा वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा अगर मैं यहाँ पे एक इन्फिनिटी वाटर सोर्स बना दूँ। तो मैं अपने जो वो रखने वाला हूँ वो यहीं पे रखूँगा, तो दोनों जनरेटर्स को यहाँ पे रखूँगा अगल बगल। तो यहाँ पे एक वाटर सोर्स बना लेता हूँ इन्फिनिटी वाला, 1 2 और 1 3। यहाँ पे एक वाटर बकेट डालते हैं एंड दूसरी वाली वाटर बकेट डालेंगे यहाँ पे। इंडिया बन गया हमारा इन्फिनिटी वाटर सोर्स, एंड इसमें से भी हम लोग इजीली वहाँ पे डाल सकते हैं। एंड जनरेटर्स की जो रेसिपी थी आई थिंक आ गई होगी, या लावा जनरेटर की रेसिपी तो आ गई। ये क्या है? ओके तो ये क्रशर है, ठीक है। तो ये है हमारा लावा जनरेटर, तो लावा जनरेटर को हम लोग एक बना लेते हैं। एंड दूसरा हमारा बनाना था एक स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेटर के लिए क्या चाहिए था? मेरे ख्याल से उसमें एक पिस्टन लगने वाला था, या एक पिस्टन बनाना है। तो पिस्टन के लिए भी मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं है, पिस्टन के लिए भी मेरे ख्याल से थोड़ा रेडस्टोन लगने वाला है बस। एंड ये बन गया हमारा पिस्टन, एंड पीछे शायद सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, किसी को सब्जी चाहिए तो बता देना, ठीक है। ये बन गया हमारा स्टीम वाला जनरेटर। तो इन दोनों जनरेटर्स को हम लोग रख देते हैं अगल बगल। देखो मुझे भी कुछ खास आता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया, ये है लावा जनरेटर एंड ये वाला है स्टीम जनरेटर। तो अभी मैं थोड़ा सा शायद लावा वावा मेरे पास है कि नहीं है, पता नहीं, भगवान जाने। ओके लावा बन गया है। तो आई थिंक अगर मैं ये लावा बकेट लेकर जाऊं एंड इस लावा जनरेटर में डालूं तो इंटरेक्ट करते हैं। अभी तो ज़ीरो है लेकिन शायद थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर जैसे ही इसमें से ये लावा का ये ख़त्म हो जाएगा ना, तो इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा लावा बनने लगे, मतलब एनर्जी बन जाएगी। देखते हैं, तब तक मैं एक लीव और वो डाल देता हूँ यहाँ पे, मतलब बनने के लिए एक ये एंड एक ये। हाँ और जो, हाँ दूसरी चीज़ थी, याद आ गई मेरे को क्या करना था। मेरे को यहाँ पे ग्रास भरना था, तो ग्रास ब्लॉक्स बनाना है। वही थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है शायद शुरू में, मतलब बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज सीड्स सबके पास ही बहुत सारे होते हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है कि मतलब बीच में एक डर्ट ब्लॉक एंड चारों तरफ से सीड्स रखो एंड तुम्हारे पास ग्रास ब्लॉक्स आते हैं। तो 4 ग्रास ब्लॉक्स मैं बनाने वाला हूँ, चार चार कोनों के लिए एक्चुअली, बस और कुछ नहीं। वैसे मैं कोबल स्टोन नहीं यूज़ करता हूँ, मतलब कोबल स्टोन नहीं निकालता हूँ इनके थ्रू, ज़्यादातर मैं यही निकालता हूँ, मतलब हैमर ही कर लेता हूँ एंड ग्रेवल ही बना लेता हूँ डायरेक्ट, बिकॉज ग्रेवल का बहुत ज़्यादा काम पड़ता है। एंड मैं यहाँ पे अभी लग नहीं रहा है पूरे एरिया को ग्रास से भर पाऊँगा, बट जितने को भर पाऊँगा उतने को ग्रास से भर देने वाला हूँ मैं। ओके तो ठीक है, मुझे लग नहीं रहा था कि मतलब शायद डर्ट कम पड़ने वाली है, बट एकदम एग्जैक्ट डर्ट थी मेरे पास। कुछ 4 ब्लॉक्स ही ज़्यादा हैं इस पूरे एरिया को, एटलीस्ट मैंने भर तो दिया है। एंड इसमें ग्रास अभी थोड़ी देर तक आ जाएगी, तब तक मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत लावा और बन गया है। एंड हाँ उसमें भी लावा ख़त्म हो चुका है। तो अभी अगर मैं इसमें इंटरेक्ट करूँ, या तुम लोग देख सकते हो कि 400, मतलब कि ओके ठीक है ये 300 बनाता है, बट इसमें 400 जो है वो आ चुका है, ठीक है ना। एंड इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ हमें बनानी है वो एक वॉयड माइनर में भी, देखते हैं अगर हमारे पास सामान होगा तो आज वॉयड माइनर बनाएंगे। वॉयड माइनर में हाँ हाँ बिल्कुल यस एग्जैक्टली सामान है, 2 डायमंड्स की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बना लेते हैं 2 आयरन के ब्लॉक्स एंड रेडस्टोन ब्लॉक्स तो रखे हुए हैं मेरे ख्याल से, यप रखे हैं। देखता हूँ वॉयड 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 माइनर में क्या चाहिए था, सब कुछ तो है। अच्छा नहीं, 2 और आयरन ब्लॉक्स चाहिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 2 और आयरन ब्लॉक्स तो हम लोग बना सकते हैं। एंड ये हमारे पास आगे हमारा वॉयड माइनर, तो इस वॉयड माइनर को मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कुछ इस जगह पर रखूँ। एंड ये काम कैसे करता है मुझे लिटरली कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें से अगर एनर्जी है, जो इसमें से एनर्जी है वो इसमें जानी चाहिए। ओके भाई इसने ब्लास्ट किया है कोल का, एंड इसमें अगर मैं अभी देखूँ, ओके तो देख सकते हो उसमें 2 एनर्जी कम हो गई है। एंड इसने एक और उछाला, ओके ठीक है। तो
शायद तुम लोगों को समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। मतलब ये कोई भी एक रैंडम ओर हर थोड़ी देर में उछालेगा, कोई भी एक रैंडम ओर हो सकता है वो, एंड वो रैंडम ओर जो है वो हमें मिल जाएगा, एंड इसमें से एनर्जी जो है वो इसमें लगने वाली है। वैसे इसके सिवाय कोबलस्टोन जनरेटर भी आई थिंक हम लोग बना सकते हैं, मे बी कोबलस्टोन जनरेटर। जब हमारे पास सारा सामान है, बस कोबलस्टोन भी है, ठीक है। तो कोबलस्टोन जनरेटर की ये रेसिपी, एंड ये बन गया हमारा कोबलस्टोन जनरेटर। तो इसको रख देते कुछ इस तरीके से, एंड फिलहाल के लिए इसे हटा देते हैं। वेल मे बी शायद इसमें से डायमंड वगैरह के भी ओर्स निकलेंगे फिर। ये रहा मैकेनिकल फर्नेस। ओके भाई, इसमें पावर तो बहुत ज़्यादा लगने वाली मैकेनिकल फर्नेस में, बट रेसिपी इसकी भी कुछ सिंपल ही है। तो देखता हूँ एक्चुअली काम कैसे करता है ये। उससे पहले मेरा लावा और ये बन गया है, तो मुझे यार ये सीरियसली दिक्कत है, मतलब एंड मेरी वाटर बकेट्स भी पूरी लग गई उसमें। अरे यू सीरियस? हाँ यार, पूरी वाटर बकेट लग रही है, मतलब ओ माई गॉड, ये थोड़ा महंगा होने वाला है। या फिर मुझे आयरन की फार्मिंग चालू करनी पड़ेगी जल्दी, क्योंकि यार पूरी वाटर बकेट ले ले रहा है ये, पूरी वाटर बकेट निकल ले रहा है मेरी ये। ओके ये गया, एंड अच्छा नहीं, वाटर बकेट वापस आई तो मैं ही शायद नूँ, एंड मैं वहाँ पे वाटर बनने का इंतज़ार क्यों कर रहा हूँ? एक्चुअली तो मैं यहाँ से वाटर बना सकता हूँ ना, या फिर मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना कि मैं 2-3 वाटर जनरेटर्स बना दूँ। हाँ, मैंने लावा जनरेटर क्यों बनाया, मैं 2-3 वाटर जनरेटर्स बना देता हूँ ना, तो वो एक साथ वाटर जनरेट करती रहेंगी। एंड ये क्या हुआ? ओके, तो इसने एक कोबलस्टोन फेंक के मारा है मेरी तरफ, एक और मारा, फेंका या फिर कुछ और फेंका, पता नहीं कौन फेंक रहा है। ओके उसने फेंका कुछ, ठीक है ये भी सही है। ओके भाई, इसमें अभी भी 500 एनर्जी बाकी है, ठीक है मैं देखता हूँ। उससे पहले मैं तब तक एक वो बना लेता हूँ, एंड मैं सोच रहा हूँ 2-3 और ये वाले जो स्टीम जनरेटर्स हैं वो स्टीम जनरेटर्स बना लेता हूँ, एंड उन स्टीम जनरेटर्स से मैं क्या करूँगा ना, मतलब कि बहुत सारी एनर्जी भेज दूंगा इसमें, जो कि ज़्यादा सही रहेगा। ओके तो मैंने डिसाइड किया है कि मतलब ये वाला जो एरिया तुम लोग देख रहे हो, ओके थोड़ा सा लैग बट कोई बात नहीं, मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये वाला जो एरिया देख रहे हो, ये छोटी सी गली, यहाँ पे मैं कुछ रखने वाला हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो मतलब टोटल मेरे पास यहाँ पे 10 ये वाले होंगे स्टीम जनरेटर्स, जिनको से कि मतलब डायरेक्ट इसमें पावर आने वाली है। मतलब लावा जनरेटर थोड़ा महंगा पड़ रहा है, तो यहाँ से जिससे कि इसमें डायरेक्ट पावर आएगी, एंड डी ए वाला जो है वो धनाधन पावर होगा। ओके तो ऑलमोस्ट मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पूरे बन चुके हैं, तो आई होप कि अब मेरा काम हो जाना चाहिए। मेरे को ये क्या स्कैम है? ओके क्या मेरा माइला, मेरा आयरन ख़त्म होने को है? ओ भाई साहब, सीरियसली मेरा आयरन ख़त्म हो गया है? कितना आयरन खर्चा कर डाला मैंने, ओ भाई। ठीक है तो अभी फ़िलहाल मतलब कि मैं ये दो बनाता हूँ, एंड इन दोनों को अभी फ़िलहाल के लिए फिर हटाते हैं, बिकॉज मैं एक बार वो चला के देखना चाहता हूँ जो अपना दूसरी मशीन बनने वाली है, ठीक है ना। दूसरी मशीन जो हम लोग बनाने वाले हैं उसको बनाना चाहता हूँ मैंने पहले, तो अभी तो मैं पहले इन दोनों को यहाँ पे लगाता हूँ कुछ, एक यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे। 3 हमारे पास ये बन गए स्टीम जनरेटर्स, तो इनके अंदर मैं पानी भर देता हूँ। यार मैकेनिकल फर्नेस, तो इसमें यार कितना आयरन, थोड़ा ज़्यादा आयरन लगने वाला है मेरे पास, लग रहा है आयरन की कमी होने वाली है। 2 आयरन के ब्लॉक्स, यानी कि 9 × 18 और 4 × 22, तो 22 आयरन हमें चाहिए, 2 रेडस्टोन के ब्लॉक्स चाहिए और 1 फर्नेस, तो मतलब बस आयरन की कमी है। तो मैं थोड़ा सा और ग्राइंड करता हूँ इन पेड़ों से उगा उगा के, एंड थोड़ा बहुत देखता हूँ अगर सीविंग से ही मिल जाता है, क्योंकि सीविंग से आयरन बहुत ही ईजिली मिल जाता है, तो थोड़ी बहुत सीविंग भी कर लेंगे हम लोग। एंड ये देख सकते हो पूरा ये घास से भर गया है, एंड अभी ये थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैं जल्दी से जाकर थोड़ा सा आयरन जमा कर लेता हूँ। ओके तो मैंने बहुत सारा मतलब सामान तो कलेक्ट कर लिया है, मतलब 3 स्टैक आयरन के वो कर लिए, एंड 10 और हैं, तो आई थिंक सो कि मेरा काम हो जाएगा इतने आयरन में, मतलब होप करेंगे, ठीक है ना, साफ साफ होप करेंगे। एंड उसके बाद ये कहाँ गया हमारा फर्नेस, भाई क्या ही एग्जैक्ट नंबर है, भाई क्या ही एग्जैक्ट नंबर है आयरन का, इसका एक आयरन भी नहीं बचेगा कसम से, क्या ही करूँगा पता नहीं। एंड बन गया ना, तो हो गया मेरे ख्याल से सब कुछ, अब क्या दिक्कत है, सब कुछ तो आ गया। ओके फर्नेस नहीं है, सही है, एंड कोबलस्टोन भी नहीं है, वाओ आई एम सो पिरो एकदम, मतलब
पिरोनेस की क्या ही बात करूँ। वैसे मैंने एक फर्नेस शायद बना के रखा हुआ था कहीं पे, तो कि नहीं बनाया, नहीं बनाया, मुझे लगा कि शायद मैंने एक फर्नेस बना के रखा है, बट कोई बात नहीं। ओके तो ये बन गया एंड ये बना हमारा मैकेनिकल फर्नेस। ओके तो अभी से मैकेनिकल फर्नेस को रखते हैं यहाँ पे एंड तो चलाते कैसे हैं, आई हैव नो आइडिया। ओके 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 मेरे साथ वैसे छोटा सा एक स्कैम हुआ है, बट मतलब मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया। अच्छा 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 रुको मैं तुम लोग को समझाता हूँ, मे बी तुम लोग समझ जाओगे, रुक जाओ। उसके लिए पहले मैं एक कॉल रख के आता हूँ। मतलब मेरे साथ एक छोटा सा स्कैम हुआ है, ये स्कैम से तुम लोग भी ज़रा बच के रहना, आई होप बच जाओगे, तुम लोग मेरे से स्मार्ट हो। बट एक बार में एक ही ओर डालना, मैंने एक बार में तीन ओर डाल दिया और मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या करना है, एक इसमें डालना है और कुछ इस तरीके से एंड देखो, हमें मिले दो कॉल इंस्टेंटली, ठीक है ना। और अगर मैं एक साथ ये दोनों कॉल की ओर डालता हूँ तो स्कैम देखो, तभी मुझे मेरा दो ओर, दो ही कॉल मतलब, ठीक है ना। तो मतलब इसलिए बारी बारी एक एक ओर ही डालना। मैंने एक बार में दोनों वो डाल दिए थे, तीनों गोल्ड के वो डाल दिए, मेरे को सिर्फ दो ही इंगट्स मिले, तो ये वैसे फिर सही है ना। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, तुम लोग ना जो ये पेड़ लगाते हो ना, तो इनको नॉर्मल पेड़ों की तरह ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर दूर पे लगाओ। इनफैक्ट दो दो ब्लॉक के दूर पे भी लगाए थे, यहाँ तक कि एक ब्लॉक के दूर पे लगाए थे तब भी ये ग्रो हो गए थे, ठीक है ना, तो उसकी चिंता मत करना तुम लोग। तो अभी यहाँ पे जो मेरे पास वो वाली मशीन थी ना, वॉइड माइनर, अब मैं इसको लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी एनर्जी जो है ना वो जमा कर ली है। अगर मैं तुम लोगों को इसमें दिखाऊं इंटरेक्ट करा के, तो देखो 5500 एनर्जी मैंने जमा कर ली, क्योंकि जब मैं सब जमा, किसकी गाड़ी गई भाई पता नहीं, इतना भुर्र करते हुए कोई बुलेट लेके निकला है पीछे से, बट कोई बात नहीं है। अभी मतलब यहाँ पे मैंने बहुत सारी एनर्जी जमा कर ली थी जब मैं ये सारा काम जमा कर रहा था, मतलब सारा सामान जमा कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा और तब तक कर देता हूँ आई होप, एंड तुम लोग को दिखाता हूँ ये चीज़ मतलब ये कैसे ठीक से काम करती है। आई होप कुछ अच्छा सा, ओके आयरन का और निकला है, गोल्ड का और निकला है, तो देखते हैं। अभी इस पे अगर मैं एक आयरन का ये ओर डालता हूँ, तो तुमने देखा फट से मेरे पास दो आयरन किंगट्स आ गए भाई। ये बहुत ही ओपी मशीन है एंड इसमें टाइम भी बिल्कुल नहीं लग रहा है, मतलब एकदम टाइम ही नहीं लग रहा है, जल्दी से जल्दी। बस ये वॉइड माइनर है, बस कोल डालता रहेगा तो स्कैम हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इतना कोल है, इतना कोल है, सीरियसली इतना कोल है, पूछो मत क्या करूँ मैं इतने कोल का, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आई होप आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, एंड मिलेंगे एक और नए गेमिंग एपिसोड में।